Yeah, I think now it's recordable, if I'm not wrong. Processor is very slow. Now it is okay, right? Now I think it is a bit okay and right. Yes, now it's visible to all students present here. Now, let me start the lecture. So here you would be seeing the lecture, the slides. So this is my Vision Academy, myself Abhishek Roy Chaudhary, and I am the host and founder of this channel and this academy. Numbers are in the below description box. For more inquiry, you can join us. Okay. And now we will be changing the slide and we will check or we will see what's going on. Okay. So this is air meteorology. You can see it somewhere here. This is air meteorology. Next, there we will be learning chapter 3 temperature, which I am writing it here for your convenience. The students were doing live. This is chapter 3 temperature. This is temperature, okay. In this, we will be learn about the measurements and the. In this slide, you are seeing about introduction, instrument for measurement, surface temperature, heat and temperature. So we cannot do heat and temperature in this chapter because it's a very big concept. So we will be doing it tomorrow in the time. I know today the live timing has gone a bit late. It was a technicality issues. I think tomorrow is Friday and AirMet is from 8 o'clock to 9:30. Yes, it's 8 o'clock to 9:30 and let me start it. Today's date is 24 June and the time you should watch was 11 to 12, but unfortunately we cannot play it here. The date will change 25 and the record uploading time on YouTube will be 11 o'clock. I'm sorry for this technology issues. Please try to understand. The first concept we will learn is about introduction. Okay, we will learn about introduction. Introduction mein kya kya hota hai usko hum log samjhenge, kaise hota hai, kyun hota hai, kis way mein hota hai aur samjhenge. Theek hai, हम इधर भी लिख रहे हैं एक एक करके. ठीक है, पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे. ये टॉपिक है, स्लाइड अभी ब्लैंक आ रहा होगा आपको जो जो देख रहे हैं यूट्यूब में. सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते क्या है. पहला पॉइंट बता रहा है टेम्परेचर होता क्या है. जो चैप्टर है आई थिंक टेम्परेचर क्या होता है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ हीट. ठीक है, एंड इट इज मेजर्ड इन सेंटीग्रेड फ्रॉम अ विच यू से सेल्सियस ऑफ फारेनहाइट.
Fahrenheit, okay. हम लोग टेम्परेचर का जो स्केल होता है उसको हम लोग किसके रेफरेंस हम लोग लेते हैं, एक इमेजिनरी रेफरेंस, उसको कहते हैं बॉइलिंग वाटर्स, प्योर वाटर का रेफरेंस, जो डिस्टिल्ड वाटर हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री लैब में, तो उसके रेफरेंस से हम लोग स्केल का वैल्यू डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको सेम चीज जहां पे दिख ही रहा होगा, देखो आर्बिट्री मतलब होता है अज्यूमिंग स्केल, ठीक है, हम लोग उसको मान लेते हैं। अब बारिश का मौसम ऐसा हो गया यहाँ पे कि निकलते धूप में देख रहा अचानक से बारिश शुरू हो गई, मेरा आवाज खराब हो गया, ले क्या कर सकते, तो कोरोना है। अभी हम लोग ये देखेंगे, ये पॉइंट आपको वन वर्ड में याद रखना पड़ेगा, की पॉइंट सुना सकता है। सेम चीज दिख ही रहा होगा आपको, वहां पे हमको दिखाने का तो जरूरत होगा नहीं, बट जो ऑनलाइन देख रहे लाइव इंटरेक्शन उनके लिए ये चीज है। 0 डिग्री या 100 डिग्री सेल्सियस एट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इन सेल्सियस स्केल वेयर एज 82 डिग्री, आई थिंक 32 डिग्री एंड 212। हीट एट द देखो, अब हम लोग को एक तो सेल्सियस है, उसके अलावा हम लोग फ़ारेनहाइट का जरूरत क्यों पड़ा। देखिए बहुत ब्रिटिश कंट्री ऐसा होता है जो फ़ारेनहाइट स्केल को यूज करता है, इन लोगों का अलग ही चीज होता है, उन लोगों का मेजरमेंट को, उन लोगों का माए बाप कुछ नहीं होता है। तो देख लो हम लोग लाख, 10 लाख, 1, 10, 100, 1000 लाख, 10 लाख, हम लोग ऐसे गिनते हैं ना, उन लोग 1 लाख को 100 के बोलेगा, 100,000 बोलो। उन लोग थोड़ा अलग है किस्म का है, हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। इन कीड़ों लोगों का सोल्यूशन भी हम लोग के पास है विद द कन्वर्जन स्केल, हम लोग के पास कन्वर्जन स्केल है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, स्लाइड में भी दिखने वाला है, ठीक है। व्हाट इज द इंटरनेशनल क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द इंटरनेशनल स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट, आप लोग आंसर लिखिएगा सेल्सियस। सेल्सियस इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल,
इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं, वही चीज था जो ब्रिटिश कंट्री वाला। नेक्स्ट स्लाइड है, अब हीट कैसे एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है, हाउ हीट इज जनरेटेड, व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट हैपेंस, ये अपना थ्योरी एंड द फिनोमिना फिनोमिना पढ़ेंगे, ठीक है, मस्ती की बात अलग है, अपना फिनोमिना पढ़ेंगे अभी। तो स्लाइड वाला हम आपको स्लाइड दिखा देते हैं, आप उधर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इधर से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे स्लाइड हम इसका पीडीएफ अपना टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम क्या नहीं है मेरे पास, हम सोच रहे इसमें डाल सकते हैं, कमेंट कीजिए। वन मिनट वो दिक्कत हो गया था, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक्सट्रैक्शन के ऊपर है, ऑलरेडी स्लाइड में आ गया होगा उधर, डस्टर का ये सब इंट्रोडक्शन का अंदर ही है। जो हम लोग के प्रीमियम स्टूडेंट्स है, तो हम लोग प्रीमियम लेते हैं, उन्हें ऐसा नोट्स हम लोग अवेल करवाते हैं, उनको इस टाइप का हैंड रिटन नोट्स उन्हें अवेल होते हैं। अगर आप प्रीमियम लेना चाहते हैं हम लोग का, आप हमें कांटेक्ट कीजिए यूट्यूब से, ठीक है। ठीक है, जब हीट एक्सट्रैक्ट होता है ना, तब क्या होता है, वो सब्सटेंस का इंटरनल एनर्जी रिड्यूस हो जाता है और रैंडम मोशन ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो स्लो हो जाता है। सिंपल लफ्जों में देखा जाए, वो स्लाइड में आपको दिख गया होगा, अब स्लाइड में देख कर फायदा नहीं है, अब इधर आ जाइए बोर्ड स्लाइड में जो देख रहे, इधर आ जाइए बोर्ड में एक्सप्लेनेशन करना, इधर देखिए, उधर आप आंख मत लगा, इधर देखिए, ठीक है। देखो क्या होता है, जब हीट जो कोई सब्सटेंस एक्साइटेड रहता है, मान लो ये सब्सटेंस है, 12th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वाइट स्पेस इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, तो इसका वो वाइट स्पेस अगर इसका 35% है, मतलब यह वाइट स्पेस, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स फिट होने के बाद इसमें 35% खाली जगह है। देखिए हम केमिस्ट्री नहीं समझा रहे, ये बच्चा लोग जो 12th का पढ़ा है उसी रिलेटेड से हम समझा रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड में ऐसे ऐसे एकदम एक्साइटेड में है, सब एनर्जाइज्ड है, ठीक है, जब एनर्जी है, एनर्जाइज है, और जब ये ऐसे हीट का फॉर्म निकल जाता है, जब ये ऐसे हीट का फॉर्म निकल जाता है, तब क्या होता है, आप इधर देखिए, ठीक है, तब इसके बाद किधर देखिएगा, जब दूर दूर करके तो मूव कर रहा था तो रैंडम मोशन पे ये कम घट जाता है, ठीक है, इसका अंदर का एनर्जी एकदम खत्म होने को आता है। अब जैसे यहाँ पे 3 डंडी है ना, यहाँ पे 2 डंडी हो जाएगा, तो ये हीट कम हो गया, ठीक है, डिफरेंस ये कि जब 3 डंडी है, 1 2 3
1 2 3, देखिए 1 2 1 2, ऐसा लग रहा है डांस क्लास करा रहे हैं। तो इसमें देखिए मॉलिक्यूल से जब रॉडली हो गया तो धीरे धीरे देखेंगे तो रॉडली में आ जाएगा मॉलिक्यूल सब। से धीरे धीरे आके जब एकदम खत्म हो जाएगा हीट कनी इसके सब्सटेंस एनर्जी जब एकदम खत्म हो जाएगा तब इधर भी जो उछल रहा से करके जैसे तो उछल रहा है ये भी आकर शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत। तो पॉइंट लिख लेते इधर। सब्सटेंस इंटरनल इंट्रोड्यूस्ड इतना समझ गया बच्चा पार्टी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वही चीज लिखा था मॉलिक्यूल्स अपने अरेंज होता रहता है ठीक है यही चीज लिख रहे हैं इधर। तो मॉलिक्यूल गेट्स अरेंज्ड इन मोर मोर ऑर्डरली पैटर्न। ये ऑर्डरली है ODERLLY ये ऑर्डरली है ठीक है। देन सॉरी ऑर्डरली का स्पेलिंग मैंने गलत बोला ODERLY है ठीक है। बिफोर इसको इमेज से देखिए ठीक है। ये हम लोग का वही है जो चल कूद कर रहा है सुपर एक्साइटेड ठीक है। या भी 3 डंडे हिट दे रहा है मतलब उसके बाद एनर्जी लॉस हुआ एनर्जी लॉस होने के बाद क्या हुआ अभी और अरेंज शेप में आया 2 डंडी लॉस हुआ फिर अब 1 डंडी हिट है मतलब एकदम ना के बराबर है 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 फिर देखिए 1 1 दम अरेंज हो गया देख रहे हैं एक दम अरेंज हो गया सब कोई उछल कूद नहीं इसमें इसमें तो देखिए सब चीज अरेंज हो गया कोई दिक्कत नहीं इधर नम हरि ओम तत्सात। अब नेक्स्ट पॉइंट पे
finally, the substance जब वो इस स्टेट में पहुंच जाता है जहां पर सब्सटेंस का मैक्सिमम ऑर्डरलीनेस है एंड मॉलिक्यूल्स एकदम चलना फिरना बंद कर देता है, उस टाइम हम लोग कह सकते हैं द मैक्सिमम टेम्परेचर इज बीन एक्सट्रैक्टेड एंड द सब्सटेंस हैज रीच्ड टू इट्स लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू। इसका मतलब समझो, मेरे पास ये सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस में बहुत सारा हीट मॉलिक्यूल्स लापाझापी कर रहा था, लास्ट में जाके सब इधर आके अटक गया, ठीक है, रुक गया। इसमें क्या है, मॉलिक्यूल सीज हो गया, मतलब मूवमेंट नहीं कर रहा है। दूसरा बात, एनर्जी मिनिमम में पहुंच गया, जिसके वजह से जो मैक्सिमम टेम्परेचर निकलना था वो निकल गया, अभी इसका टेम्परेचर मिनिमम पे है। The substance finally when the molecule attain the after the state is मेरा टाइम तो इसी में चले जाता पूरा, अब हम क्या कर सकते हैं। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं कितना बच्चा लोग आया है अभी मेरे क्लास सेशन में, कितना सुपर चैट से। बढ़िया है, हम अकेले ही है, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है। For all screen.
ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो जो होता है, मिनिमम टेम्परेचर इज सेम फॉर ऑल सब्सटेंस। जो मिनिमम टेम्परेचर को सब्सटेंस को छोड़िए, ये सब्सटेंस और ये सब्सटेंस, दोनों सब्सटेंस का मिनिमम टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम होगा, और इसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से डिनोट कर बोलते हैं, जिसका सिंबल है के। हियर के मतलब केल्विन होता है, ठीक है, के मतलब केल्विन, एंड 1 केल्विन इक्वल टू, बचपन में हम लोग पढ़े थे 273, 1 डिग्री 273 केल्विन, तो इसमें होगा 1 केल्विन इक्वल टू -273.16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोग अभी कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट और उसके के रिलेशनशिप देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं, आप उधर देख लीजिए, फ़ारेनहाइट का आता है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9 × 10 हम लोग सेल्सियस दिया, वाई डिवाइडेड बाय 5 + 32। नंबर 2 सेल्सियस का दिया होगा, सेल्सियस का कुछ माइनस में है, ये है सेल्सियस का 5/9 f − 32, और नंबर 3 केल्विन का जो था वो था 273 + C। ये 3 फॉर्मूला हम लोग याद करना है, स्पेशली दिस 2 फॉर्मूलाज, ठीक है। हम इसको हम ये कर लेते हैं, घेरा बना देते हैं इसको हम, जो आपको इम्पोर्टेंट याद करना है। तो ग्रीन पेन से बना रहे हाईलाइटेड घेरा होगा, और रेड पेन से मतलब क्रिटिकल घेरा है, ठीक है। ठीक है, हम घेरा कर दिए, आप लोग देख लीजिए, कोई है बच्चा पार्टी देखे है? कोई बच्चा पार्टी नहीं है, सब भाग गया। चलो कर भी क्या सकते, रात कितना हो रहा है, देखे टाइम देखे। हाँ हम गलती में, ठीक है कोई बात नहीं, आज का क्लास आप लोग ये प्री रिकॉर्डेड देख लीजिए, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग लाइव करने का ट्राई करेंगे। हम इधर स्टूडेंट्स में देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट्स अभी रेडी है, मैंने यहाँ पे इसको हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, राइट। क्या ही कर सकते, अभी एडिट हम करना पड़ेगा हमको, इतना हो गया। चलिए इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरमेंट कुछ ज्यादा नहीं है, ये भी नया टॉपिक है, इसमें 4 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, 10 तो पॉइंट है, उसके बाद आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करेंगे। स्टूडेंट्स आपको हम बता दें कि
कि जो टीच में हम लोग लाइफ जो हम लोग के एप्लीकेशन है वो टीचमेंट पे होता है, ठीक है। क्लासरूम आईडी आपको, हाँ यार क्लासरूम में जाके देखे, हाँ क्लासरूम आईडी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा। कि आज अगर एयर मेट्रोलॉजी का अगर हम लोग के डाल रहे हैं सब्जेक्ट डाल रहे हैं, तो नीचे में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा उधर ऑलरेडी डाल दिया रहेगा, ठीक है। उधर ऑलरेडी अपलोड कर दिया रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, रिकॉर्डिंग हो रहा है देख ले बाबू। ये रिकॉर्डिंग से हम पूरा दम पागल हो गए हैं। ये 9-9 मिनट का रिकॉर्डिंग ले रहा है। ले कन्वर्जन का तो आया ही नहीं पीडीएफ, ये आपका रिकॉर्डिंग, अब क्या कर सकते हैं, दिक्कत हो गया। एक काम कर लेते हैं हम, ये करते हैं क्या नाम है, हम ना मुस्कुरा देते हैं। आप तो इधर देखे हैं, देखे हैं ना, उसको आ जाते अब नया हम देखते हैं, हम क्या कर सकते हैं। पैसा 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 चाहिए बस इन लोगों को, हम तंग आ गया हम लंग से पूरा। पूरा तंग आ गए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरमेंट, मार्कर भी गायब हो गया। लो बेटा सब गायब हो जाता है, इंसान हम गायब हो जाएंगे एक दिन। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट्स, देखो YouTube में पता नहीं वीडियो कब आ रहा है। और डिवाइसेस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हीट आर एज फॉलोज, सब इंस्ट्रूमेंट का फोटो आपको इधर दिखा दिया जाएगा ग्रीन स्क्रीन में। मुस्लिम क्लब हम लोग के पास 5 इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज द डॉक्टर वाला थर्मोमीटर, मिनिमम थर्मोमीटर, एंड नंबर 5 आपका थर्मोग्राफ। सबका हम इधर वीडियो दे दे रहे हैं। ये है ड्राई थर्मोमीटर, वेट थर्मोमीटर, जो रेड बल्ब के साथ है वो आपका ड्राई बल्ब थर्मोमीटर है, जो आपको टूवर्ड्स द बोर्ड जो दिख रहा है, एंड
टूवर्ड्स दैट स्क्रीन दैट इज माई राइट लेफ्ट साइड, उधर वेट बल्ब है। नेक्स्ट इमेज में आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर है और ये आपका थर्मोग्राफ है। All thermometer uses Hg mercury as indicator, but minimum thermometer. Uses alcohol, जिसको हम लोग जनरल फॉर्मूला आर ओ एच डिनोट करते हैं यूज। इंडिकेटर ठीक है। बायमेटालिक स्ट्रिप्स आर यूजिंग थर्मोग्राफ्स ठीक है। बायमेटालिक मतलब दो टाइप का मेटल या दो मेटल। बस हो गया। तो थैंक यू गाइस। तो इधर ऐसे तो खत्म होता है, हम लोग इधर खत्म करते हैं क्लास आज। चलिए बढ़िया, अब रिकॉर्डिंग हम लोग स्टॉप कर देते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, फॉर क्वायरीज एंड फॉर डाउट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है इंस्टाग्राम लिंक, व्हाट्सएप लिंक, व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसका आपको ज्वाइन करना है ठीक है। और जो सेफ टू ज्वाइन, अगर आपको अनसेफ लगता है आप ज्वाइन करके लीव कर सकते हैं ठीक है। उसमें पर्सनल नंबर मैंने दिया है, प्लस हम जो नंबर अटैच करे वो व्हाट्सएप का ही है। आप मुझे जो व्हाट्सएप से डीएम के डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट देख सकते हैं। और बस वही है, हम लोग टीचमेंट में क्लास कराते हैं, नया प्लेटफॉर्म है, तो बस इतना ही चीज़ है। तो थैंक यू।